हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं समीर, आपका दोस्त और होस्ट। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक नॉन प्रॉफिट कंपनी कैसे रजिस्टर की जाती है। तो दोस्तों, जो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, एनजीओ है, उसको रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में जो करवाया जाता है तो वो सेक्शन 8 में करवाया जाता है। ये रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको मिनिमम दो लोगों की ज़रूरत है। जी हाँ, दो लोगों की। और इसको जो है वो रजिस्ट्रेशन करने का जो सबसे पहला प्रोसीजर है कि ये जो दो लोग रहेंगे इनके KYC डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, बैंक पासबुक का कॉपी, इलेक्शन ID, या तो ड्राइविंग लाइसेंस या तो पासपोर्ट। उसके बाद में जो है नेक्स्ट, आपको एक अच्छा सा नाम सोचना है कि आप क्या नाम रखना चाहते हो, जैसे पगडंडी फाउंडेशन या कोई भी अच्छा सा नाम आप सोच सकते हो। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं। फिर उसके बाद में जब ये नाम अवेलेबल है तो हम आपके एनजीओ के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना के देंगे। इसके अंदर पूरी तरीके से लिखा होगा कि आपकी कंपनी प्रॉफिट के लिए नहीं है और एक एनजीओ है और आप क्या क्या काम करोगे। आपको मैं ये क्लियर बता दूं कि आप एनजीओ जो बना रहे हो तो आज की डेट में अगर आप चाहते हो कि एनजीओ में आपको डोनेशन मिले जिससे आप अच्छा काम कर सको, तो कोशिश करके एनजीओ में ये पॉइंट्स ज़रूर रखें कि वो किसी जाति या धर्म का भेदभाव नहीं करेगा और हर किसी की मदद करने की कोशिश करेगा। साथ में ही पब्लिक के कोई भी लोग जो है वो आके हेल्प मांग सकते और हेल्प दे भी सकते हैं। और आपने जो है ये भी देखना है कि आप जब एनजीओ बनाने के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो आपको एक ड्राफ्ट अकाउंट देना है कि आप अगले 3 सालों में एक्सपेक्टेड कितना डोनेशन जमा करोगे और कितना पैसा खर्च करोगे और वो कहाँ करोगे। तो ये चीज़ हम लोग आपको हेल्प करेंगे बना के देने में, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। उसके बाद में आपको ये भी लिख के देना है कि जो एप्लीकेंट्स हैं, जैसे आप लोग हैं जो एनजीओ बनाना चाहते हो, तो उनका एक्सपीरियंस क्या है, क्या वो इससे पहले कहीं पे एनजीओ में काम किया है उन्होंने। साथ में हमको ये भी बताना पड़ेगा कि आप एनजीओ में एग्जैक्टली क्या काम करोगे, क्या लोगों की क्या सेवा करोगे, किस तरीके से, जैसे एडुकेशन सेक्टर में आप देखोगे या आप गरीबों को खाने पीने के लिए पैसे दोगे या घर बना के दोगे या गर्ल चाइल्ड के लिए आप देखोगे, तो आपको ये भी चीज़ क्लैरिफाई करनी होगी। मेरा सजेशन ये है कि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली है। जो मैंने एक चीज़ देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसी एनजीओ बनाते जो पैरेलल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है उन चीज़ों की जो गवर्नमेंट उठा रही है। तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो इसमें ध्यान रखें कि आप जैसे फॉर एग्जांपल एक एडुकेशन स्कूल बनाना चाहते हो, तो अगर गवर्नमेंट मदद कर रही है, उसने एक म्यूनसिपल स्कूल बनाई है, तो एटलीस्ट आप अपनी स्कूल को थोड़ा दूर बनाइए। ऐसा नहीं लगना चाहिए लोगों को कि आप उनका पैसा वेस्ट कर रहे हो। तो और आगे बढ़ते हुए, तो पेपर वर्क मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया क्या क्या पेपर लग रहे हैं एनजीओ बनाने। अब इसमें बनाने के लिए समय लगता है ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन। अगर आप इंडिया में कहीं भी और एनजीओ बनाना चाहते हो, एनजीओ बनवाना चाहते हो, तो मैं आपकी मदद करूँगा। आपको सारे पेपर्स मुझे व्हाट्सएप से भेज देने, ईमेल से भेज देने। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी और कॉल पे भी। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप और किसी क्लैरिफिकेशन चाहते हो, मेरे से कोई डाउट्स है या चाहते हो कि मैं किसी न्यू टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो ज़रूर मुझे बताइए। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है 9769693494। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ समीर, टेक केयर।